गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि साइकिल की डिस्क ब्रेक से हम ऑयल कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी घर पर। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस डिस्क ब्रेक से ऑयल रिमूव करने के लिए मैंने एक डिटर्जेंट सोप लिया है, आप कौन सा भी ले सकते हो। तो गाइस अब मैं डिटर्जेंट सोप को मेरे हाथ में ले रहा हूँ। तो गाइस अब मैं इस डिटर्जेंट सोप को डिस्क के ऊपर डाल रहा हूँ इस तरीके से। तो गाइस अब मैंने डिस्क पर सोप को अप्लाई कर दिया है, गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस अब मैं पानी ले रहा हूँ, ये पानी है और कुछ नहीं है। तो गाइस अब मैं एक ब्रश को भी ले रहा हूँ, टूथब्रश। तो गाइस अब हमें डिस्क के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐसे डाल के टूथब्रश से हमें इसको ब्रश करना है। अब थोड़ी डिस्क ब्रेक लग रही है पर फिर भी अभी भी थोड़ी सी स्लिप हो रही है गाइस। तो गाइस अब समय आ चुका है देसी जुगाड़ अपनाने का। तो गाइस अभी तक आपने देखा मैंने डिटर्जेंट सोप को यूज करके डिस्क की ऑयल रिमूव कर दी है। तो गाइस डिस्क ब्रेक को और भी पावरफुल बनाने के लिए हमें चाहिए मिट्टी। तो गाइस अब मैं मिट्टी को ले आता हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे गाइस और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस मैं मिट्टी लेकर आया हूँ। तो गाइस मिट्टी लेते समय आप ये ध्यान में रखना कि मिट्टी में पत्थर नहीं होने चाहिए गाइस, पत्थर नहीं होने चाहिए। तो गाइस अब मैं इस मिट्टी को इस पर अप्लाई करूंगा डिस्क के ऊपर। तो गाइस अब मैंने मेरे डिस्क पर मिट्टी को अच्छी तरह से डाल दिया है गाइस। अब मैं साइकिल को चला रहा हूँ। तो गाइस मिट्टी को मत रिमूव करना, मिट्टी उस पर डाल के ही साइकिल को राइड करना। और गाइस 3-4 बार आपके डिस्क ब्रेक को दबाना गाइस। तो गाइस 2-3 बार फ्रंट ब्रेक लगा के आप चाहे तो डिस्क ब्रेक वॉश कर सकते हो। तो गाइस आप ट्राई करते हैं कि हमारा डिस्क ब्रेक ठीक हुआ कि नहीं, उसमें से ऑयल चला गया कि नहीं। अब बारी है फाइनल रिजल्ट की।